तारीख में बड़े बड़े बादशाह आए, कोई अपनी बहादुरी की वजह से मशहूर हुआ, तो कोई फतुहात की वजह से, कोई तामीरात की वजह से, तो कोई अदल की वजह से। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि 15वीं सदी में गुजरात की रियासत का एक ऐसा बादशाह भी था जो खाने की वजह से मशहूर हुआ। वैसे खाने की वजह से तो हमारे हुक्मरान भी मशहूर हैं, लेकिन वो खाने की वजह से मशहूर था और हमारे हुक्मरान खाने की वजह से बदनाम। और उस बादशाह का नाम था महमूद शाह अव्वल अल मारूफ महमूद बेगड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि मुसलसल और बेतहाशा खाने की वजह से वो काहिल और कुनजहन नहीं था, बल्कि बहुत ही जहीन और बहादुर था। और सिर्फ बेतहाशा खाता नहीं था, बल्कि उसकी बेतहाशा बेगमात भी थी, एक दो नहीं, पूरी की पूरी 4000। इसके अलावा भी उसकी शख्सियत के बहुत सारे दिलचस्प पहलू हैं जो उन्हीं की जबानी सुनते हैं। वेलकम टू मस्तियाँ। बड़ी मेहरबानी वीना जी, वैसे तो ज्यादती वाली गल है। क्या तुहाड़ी सारियां भरजाइयां बाहर बैठिया ने, ठीक है, उन्होंने इत्थे लाना चाहिए सी। सेट पे जगह ही नहीं है। तो फिर नहीं सी बुलाना ना, उन्होंने मेरे घर तो लड़ाई पवाती ना। सारी बाहर आई नहीं। 16 गड्डियां कराई ने मैं बड़ियां, ठीक है, बाहर तंबू लो आए ने, ठीक है, मैं पले हूं। ऐस बाहर जड़ियां फिर दिए परजाइयां सड़ियां। होर हो की ट्रांसजेंडर फिरन डे ने। ओ अच्छा, मैं समझा किसी फिल्म दा वाइंड अप होता ना, सही नहीं हुई औरता। ये भैणा तुहाडियां ने बाहर नहीं फिर रही ने। बेगड़ा साहब जी, एक गल करनी बुरा ना मनाना, तुसी क्वालिटी की बजाय ना क्वांटिटी से ज्यादा तवज्जो दी है। अगर क्वालिटी से तवज्जो दी होती तो यह भाभी तो भाभी तो होनी नहीं सी चाहिए। नहीं मेरी गल सुन लो, पता गल की है, मैं तुम जरा तारफ करा दिया, ए मेरी फर्स्ट बेगम ने। अच्छा, फिर इतों तुम अगो औरतों को इंतकाम लेना शुरू किया। नहीं मैं तुम दस रहा कि फर्स्ट बेगम है ने, सैकंड मेरे है ने, मेरी लास्ट बेगम जी ना वो हैगी। छोटी यारे बाहर पानी भेज दो पहले। तुम ज्यादती कीते, तुम चाहिए सी 4000 कुर्सी लांदे, तुहाडे शो दी रौनक भी बन जांदे। 100 एपिसोड्स तो आपकी बेगमात को इंट्रोड्यूस कराते हुए गुजर जाएंगे मेरे। मैं एक तुहानू मैं सिर्फ अर्ज करनी हैगी, इत्थे तुसी कोऑर्डिनेटर नाल तरले करदे पए हो, मेरे नाल तुसी मोक लो, ऑडियंस मेरी होएगी साथी। ये किस तरह के बादशाह हैं जो अजकल हालात ना, पिछले बादशाह अजकल ऑडियंस ही देने लग पए। इन तीनों बेगमों में खातून अव्वल कौन है? हुन ते खातून अव्वल ए ने जेडे सब तो पहले सन, वो ए सन। इनका ओरिजिनल नाम अबुल फतेह नासिरुद्दीन महमूद शाह था, लेकिन इनका लकब बेगड़ा इसलिए मशहूर हुआ था कि गुजरात की रियासतें पावागढ़ और जूनागढ़ को इन्होंने बड़ी बहादुरी से फतह किया था। और सबसे ज्यादा जो टेन्योर था ना, 53 ईयर्स इन्होंने हुकूमत की थी, यानी कि बादशाह अकबर से भी ज्यादा। मेरे ख्याल से ये बे का मतलब है दो और गढ़ा, जिस तरह पावागढ़ है और जूनागढ़, इसी वजह से इसको बेगड़ा कहते। और उस जमाने में निकाह रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं करती थी, लिहाजा हरम में रहने वाली सभी खवातीन बादशाह की बीवियां ही कहलाती थी। देखो अपना की ना जनाब, तुहाडा मेरा ना छोड़ो, मैं भरजाइयां गिण गिण पागल हो गया। भरजाइयां नहीं रखना, तुहाडियां बहनां ने। बिल्कुल नहीं तुसीं कहना भरजाइयां, ओ साडियां भैणां ने, स्टूडियो च लाया, अद्धियां कास्ट हो गईं बाहर। मेरी गल इही मतलब कि इन्होंने खुद साख्ता टाइटल्स भी दिए हुए थे अपने आप को, सुल्तानुल बर, सुल्तानुल बहर, यानी जमीन का भी सुल्तान, समंदर का भी सुल्तान। एक बंदा जो डेली 35 kg खाना खाता हो, 180 के करीब गोल्डन बनानाज एक टाइम में खा जाता हो, और रात सोने के लिए आराम करने के लिए होती है, महमूद शाह बेगड़ा राइट लेफ्ट पे बड़े बड़े थालों में गोश्त के खास तौर पे बने हुए समोसे रखे होते थे मंचिंग के लिए। असी समोसे भी घर च ही कटदे सी। कई दफा तो मैं अपने हाथी बना के समोसे दिते ने इन्हां नूं। हां, और मैं नहीं खादे। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इतना खाते थे आप, इतना ज्यादा खाना डाइजेस्ट कैसे होता था? मैं बताता हूँ डाइजेस्ट कैसे करता था, बताता हूँ। या खाना है तुझे दसिया मेरा, ये मैं खा के फिर मेरे नु साधा ना हाथ दा बोसा लेंदा सी, खाना हजम हो जांदा सी। बेगड़ा साहब, तुहाडी जिंदगी च अगर महरलन सवाह ना ना हुंदी, खाना तुहानु हजम नहीं सी होना। 4000 बेगमात थी आपके हरम में, ये यादगार शादी किसके साथ हुई? एना दे नाल। अच्छा, कैसे हुआ? मैं नाल दे मुल्क ते हमला कीता सी। अच्छा, और मैं अपनी फौज की सिपा सलार थी। सिपा सलार सन, इन्हां दा मेरा आमा सामना हो गया। उस दौर च औरतां भी जंगा लड़दी, जिवें झांसी की राणी या बाजी खांसी की राणी। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਮਸਤਾਨੀ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਅਖੀਰ ਜ਼ੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੇਗ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਲਤਾਨ, ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਥੀ? ਇਨਕਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਮੇਂ ਗਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ फौज के साथ जा रहा था, अचानक मेरे कानों में आवाज पड़ी, गनेरी पेड़े। 2 किलो गनेरियां लईयां उथे, असी चारन बह के चूपियां उथे, इन्नी दी बची है, मैं होर गल करन लगा। उस बाद एक आवाज मेरे कन्ने च पई ते मैं कहा, मैरू निसा, क्या ये आप गुनगुना रही हैं? और मैरू निसा ने शर्मा के कहा,
नहीं मैं तो नहीं गा रही। आए हाय, यकीन जाने मैं पागल हो गया। मैं कहीं कौन सी आवाज है, तो अचानक मेरी नजर इन पे पड़ी, सुरैया पे। फिर मैं आवाज नु फॉलो कर दिया, घोड़ा उधर नु कर लिया। सारी फौज ने भी घोड़े उधर नु कर लिया। कौन सा गीत था वो जरा अता करे। ना तेरा लेके मैनू छेड़ दिया सखिया, तक ले आओ ना तेनू विच मेरी अखिया, थोड़ी मुच्छा वाले तेनू वेंदी रहनिया, जे मैं तेरे कोल रहनिया ते राजी रहनिया, जे मैं तेरे कोल रहनिया ते मैं राजी रहनिया। तो हाजी तुसी व्याह नहीं कीता, बुढ़िया तो मंगा ले तेल मैं पवानिया, गड्डी तू मंगा ले तेल मैं पवानिया, जे मैं तेरे कोल रहवां ते मैं राजी रहनी। सारी फौज पीछे कोरस कर रही, घोड़े साइड ते बन दिते, तलवारा सुट दितियां, सारी फौज झूमर पा रही उथे। ना पता लगे बिगड़ा साहब ने, ना पता लगे कि इन्हों का कोई ग्रुप आ रहा है। वो ते इस गाने ते वो डांस होया भी ना जी, मैं तुहानूं दस नहीं सकता। फिर मैं इन्हां नाल व्याह किया। अच्छा, तो जब आउटिंग पे लेके जाते हैं बेगमात को खाने के लिए, तो फिर क्या अरेंजमेंट? ये तो किसी रेस्टोरेंट में पूरी भी नहीं आती होंगी इतनी ज्यादा। नहीं नहीं, इन्हें जब भी मैं कोई दावत दूवत करता ना, क्या करता? कज़ाफी स्टेडियम में करता। कभी इन्हें शॉपिंग पे इकट्ठा नहीं लेके गए साथ? लिबर्टी गए सी असी। अच्छा, गए सी तो नहर वाली साइड, तो जिथे कासम डाबा नहीं रहिंदा। ये सारियां मेरे नाल सन, सारियां गिरफ्तार हो गईं। अच्छा, तो ये लड़ाई नहीं करती आपस में? मतलब लड़दियां ने, मैं नहीं ना, मैनूं पता नहीं लगदा केड़ी लड़ाई कित्थे। आपकी बीवी को सूरत से नहीं थी? बदसूरत तो है ना। एक एक मिनट ठहरो, तुम प्यारी नहीं लग रही जड़ी बाहर बैठी है, जरा सिर चक्कर ला के आओ तुसी। हाँ, वैसे उनका क्या हाल है, कब से बाहर बैठी हुई है? उन्हें जो 250 स्वाद शूटिंग दे चल गई है कोरस। अच्छा, सुल्तान महमूद बेगड़ा अक्सर ये भी कहा करता था कि अगर अल्लाह ताला इस कमतर गुलाम को गुजरात की सल्तनत ना देता तो इसको खाना कौन खिलाता। ओ भाजी, भरजाइयों नूं अंदर बुला लो, बाहर 5-6 जणियां कैमरामैनां दे शिगड़ दोगे। ये खाना जो आपका था, ये बेगमात बनाती थी आपके लिए, खान साहब बनाते? नहीं नहीं, कुक रखे ने मैं। कितने को कुक रखे थे? हां, है 250 बंदा। हर वक्त तो ये खाते रहते होंगे, आप लोगों को तो घुमाने भी कहीं नहीं लगे। हाय हाय, खान खान तेरे घरों खाते खाना, असी अपने पल्लियों खवानियां वा। सुल्तान, एक सेकंड, ये जो आपकी पहली वाइफ मेहरुन निसा, इनकी ताली क्यों है? वाह भी वाह, एहो गल असी तेनू पुछने, तेरी ये ताली क्यों है? चलो, ओदी ते इस ताली च बरकत ने, ताड़ी ते सुने इस च भी बड़ी बरकत है। ओए चाटो में सदपारा दा बिस्तरा हुंदा है। मेहरुन निसा जी, नंबर दी लड़ ताड़ी जी तैयार कर। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं तुहाडा खादिम नासर चलोटी। कोई ईद का गोश्त मंगल नहीं आया। सुनो, न्यूज़ के उत्ते साडा प्रोग्राम चलता है मस्तियाँ, ठीक है? अगर तुसी मिस कर देंदे हो तो साडा अपना यूट्यूब चैनल भी हैगा, ठीक है? उन्होंने सबसक्राइब करो तो घंटी जरूर बजाना। वो वाली घंटी नहीं, जो किसी घर की वजह के दौड़ जाते हो, यदि घंटी जरूर बजा देना।